हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्शन। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हम जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, फास्ट होते हैं, स्लो होते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द क्लास। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और जिसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बिल्कुल नई होती हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे खाना बनता है। ठीक है, रॉ मटेरियल से स्टार्ट करते हैं लेकिन उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो टोटली डिफरेंट बन जाता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज भी नई होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि वो चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते, यानी कि वापस उनको रॉ फॉर्म में नहीं ला सकते। अब एक बार जो खाना बन गया उसको वापस रॉ फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मींस ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमेशा इनमें केमिकल चेंजेस होते हैं, ये परमानेंट चेंज होते हैं, ये इनको दोबारा से रॉ फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इस केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो फॉस्फोरस है वो पोटेशियम बन जाएगा, नहीं। ठीक है, उनमें बेसिकली क्या होता है, जो उनके एटम्स हैं उनकी सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, उनमें कोई एटम दूसरे एटम में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होता या कम्प्लीटली उसमें चेंज नहीं होता है, सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, और जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में सब पहले टेक प्लेस करते हैं, यानी कि जो पार्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है रिएक्टेंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलके क्या बनते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है ये रिएक्टेंट्स है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जब केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बन रहा है, जो एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज भी टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ये रिएक्टेंट्स हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमेशा बैलेंस आउट होने चाहिए, ये नहीं कि जो रिएक्टेंट्स का वेट है वो केमिकल प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट्स के वेट से कम हो जाएगा, नहीं, इनका जो वेट होता है ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए, इसलिए इनकी केमिकल इक्वेशन को भी बैलेंस किया जाता है। ठीक है, इसमें ये ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन में चेंज हो गया है, इनफैक्ट क्या हुआ है, सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट हुई है। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस की अपनी ही एक स्पीड होती है अकर होने की, कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन थोड़े स्लो होते हैं, यानी कि उनको अकर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फास्ट केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। फास्ट केमिकल रिएक्शन बेसिकली वो होते हैं जिसमें अगर रिएक्टेंट्स को मिक्स करते ही उनमें एकदम से बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली उसमें एक एक्सप्लोजन हो जाए या उनके अंदर रिएक्शन हो जाए तो दैट इज नोन एज फास्ट रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, एकदम से अगर यहाँ पे पोटेशियम को अगर एयर की कांटेक्ट में लाया जाता है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल लिया गया है कि अगर एक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड ऐड किया जाए तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होकर एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाती है सिल्वर क्लोराइड की। ठीक है, इसकी केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर सोडियम क्लोराइड को ऐड किया जाए तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का, प्लस सोडियम नाइट्रेट इज ऑल्सो इवॉल्व, तो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, यानी कि इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं बहुत ही इंस्टेंट होते हैं। अब ये फास्ट रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो रिएक्शन होता है उनके सिर्फ आयंस के बीच में होता है, यानी कि जो उनका चार्ज है। ठीक है, जैसे अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन के साथ अटैच हो जाएगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इनका जो रिएक्शन फास्ट इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में जो आयंस है उनके बीच में जो है रिएक्शन होता है।
अब आता है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन बेसिकली वो होता है कि वो ऐसे रिएक्शन जिसको होने में कुछ मिनट्स लग सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, यानी कि इंस्टेंट नहीं होता उसको, थोड़ा सा यानी कि 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लगता है। जैसे इमेज में देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे ऐड किया गया है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है उस रिएक्शन को अकर करने के लिए, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है कि अगर इथाइल एल्कोहल में एसिटिक एसिड को ऐड किया जाए एक कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसके जो रिएक्शन है इथाइल एसिटेट बनने के लिए उसको कुछ मिनट्स लग सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्लो रिएक्शन ऐसा है कि जिसमें कुछ मिनट्स जो है रिएक्शन होने में लग सकते हैं। अब आता है वेरी स्लो रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो इसको दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रिएक्शन सोच सकते हैं आप लोग? पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ऐसा कौन सा रिएक्शन है केमिकल जिसको होने में बहुत टाइम लग जाता है? फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग के बारे में हमने क्लास ली थी कि उसको अकर होने में टाइम लगता है। जैसे इमेज में भी देख सकते हैं कि आयरन था उसको ये अराउंड 22 डेज लग गए उसको ऐसे थोड़ा सा रस्ट होने में, अगर वो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आए, कॉन्टैक्ट में आए तो, ठीक है, तो उसको इतने 22 डेज लग जाते हैं रस्ट होने में। तो ये वाले कौन से रिएक्शंस होते हैं? दीज आर वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, अगर कोई फ्यूल जल रहा है तो उसको बर्न होने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे गैस सिलेंडर्स है घर में, महीना भी चल जाते हैं, 2 महीने भी चल जाते हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना डाइजेस्ट होने के लिए 1 दिन का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस क्या हैं? वो वेरी स्लो रिएक्शंस। अब नेक्स्ट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो किस स्पीड से हो रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस स्पीड से हो रहे हैं, दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे जो रिएक्टेंट्स है वो उनका लेवल जो है वो कम होना शुरू होगा, वैसे वैसे जो केमिकल रिएक्शन है वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम दो मेथड से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो रिएक्टेंट से, ठीक है, हमने पढ़ा था कि उसमें रिएक्टेंट यूज होते हैं, उसमें केमिकल चेंज होके क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। अब इस रेट ऑफ केमिकल चेंजेस में हम इसको दो वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो रिएक्टेंट के फर्स्ट वे से, कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे उसकी जो रेट है वो रिएक्शन का हमें पता चल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इसके आगे लगा हुआ है नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो रिएक्शन का कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो इसका रेट का मतलब होगा कि रिएक्टेंट का जितना कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय उस चेंज को होने में कितना टाइम लग रहा है, अगर इन दोनों की रेशियो निकाली जाए तो उससे क्या आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। सेकेंड वे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? जैसे जैसे रिएक्टेंट बर्न होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शन चेंज होता है, अब रिएक्टेंट्स का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है तो इसके ऑपोजिट प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। तो जितना प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन उस चेंज को होने के लिए, तो दैट बिकम्स रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर हम रिएक्टेंट की फॉर्म से देख रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, और अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म से देख रहे हैं तो देयर विल बी पॉजिटिव साइन। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी चेंजेस भी जरूर होते हैं, हमेशा एक केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ चेंज इन एनर्जी, या तो वो एनर्जी रिलीज करता है या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी बेसिकली मीन्स की हीट, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का मतलब हीट की बात हो रही है, ठीक है। इसमें दो टाइप के चेंजेस आ जाते हैं, सबसे पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन आ जाते हैं जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है, यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हीट जो है वो बाहर आ रही है, निकल रही है, ठीक है। जैसे इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे अगर इस बॉल को इसके अंदर डिप किया तो यहाँ पे देखिए हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको एक और एग्जाम्पल के लिए अब इसमें एक और चीज़ है कि जो जितने भी कंबशन रिएक्शन है, कंबशन यानी कि जब भी कोई फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है तो हमेशा उसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है। जैसे अगर कोल को बर्न किया जाए तो उसकी हीट एनर्जी पहले इंजन यूज रन करने के लिए यूज़ की जाती थी, ट्रेन के इंजन रन करने के लिए यूज़ की जाती थी, और कोल को अभी भी फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर उसको बर्न किया जाए तो बहुत ज़्यादा
हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रिलीज करता है. तो जितने भी कंबशन रिएक्शन है वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, इसको एक और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कार्बन को बर्न किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अगर बर्न किया जाए तो इट गिव्स आउट CO2 प्लस हीट इज इवॉल्व. ठीक है, अभी इस हीट को या तो हीट ऐसे शो कर सकते हैं या उसको पॉजिटिव हीट के साथ भी शो किया जा सकता है. ठीक है, इस हीट का मतलब है कि उसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है. अब एक्सोथर्मिक के ऑपोजिट रिएक्शन आ जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज की जाती थी और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अवन में केक मफिन्स जो है उनको बेक होने के लिए रखा हुआ है. ठीक है, अब ये जो मफिन्स है ये जब तक हीट एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे ये तब तक प्रॉपरली बेक नहीं होंगे. ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है उन रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, अब जितने भी डिकॉम्पोजिशन वाले रिएक्शंस होते हैं वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं. डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, बेसिकली अगर कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड है हमारे पास, अगर उनको उनके एलिमेंट्स में ब्रेक करना है तो दैट इज डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो जितने भी डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है आगे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे इनको. ठीक है, फॉर द टाइमिंग देखिए जितने भी डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आते हैं. ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज किया जाता है टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि हीट उसको रिक्वायर्ड है इस कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज्ड. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, अब इसमें एक और रिएक्शन आ जाता है वो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन जो प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, उनको लाइट एनर्जी चाहिए. ठीक है, वो कौन से रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की जाती है. जैसे एंडोथर्मिक में तो हीट एब्जॉर्ब की जाती थी लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक है, लाइट एनर्जी बेसिकली क्या करता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस अकर करते हैं विच इज यूजुअली सनलाइट. ठीक है, सनलाइट होते हैं कि अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं होती तो उन केसेस में आर्टिफिशियल लाइट का यूज किया जाता है. ठीक है, अब बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि सनलाइट एक बहुत ही मेजर फैक्टर है फूड प्रोसेस करने का, फूड बनाने का. कौन बनाता है फूड, प्लांट्स. उसको प्रोसेस को क्या बोलते थे, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है. क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनको लाइट एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट, मतलब कि अपने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको खाने में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस. अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ लिए, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं. ठीक है, सबसे पहला है कि कन्वर्जन ऑफ रिएक्टर इनटू प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन इज एकम्पनीड बाय सम फीचर्स. ठीक है, जब भी जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके साथ उनके कुछ फीचर्स भी हमें पता चलता है. ठीक है, वो फीचर्स क्या हैं, सबसे पहला है कि एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, या तो हीट एनर्जी रिलीज होगी या कोई ना कोई गैस जो है उसमें इवॉल्व होगी. ठीक है, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. ठीक है, जो जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं उनका कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो किसी प्रेसिपिटेट फॉर्म में होते हैं. ठीक है, कलर में चेंज होता है. ठीक है, यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें इसका प्रोडक्ट का जो कलर है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज हो जाता है. चेंज इन टेम्परेचर, यस, जो अगर जैसे हमने बेकिंग वाला एग्जाम्पल लिया था, मफिन्स बेक हो रहे हैं, जब हमने उनको अवन में डाला था तब तो उनका टेम्परेचर कम होता है, जब उसको बाहर निकालते हैं बहुत ही पाइपिंग हॉट होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्योंकि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. लास्ट आता है चेंज इन स्टेट. स्टेट का मतलब है कि या तो वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड से गैसेज में, किसी भी फॉर्म में, जिनकी सॉलिड लिक्विड गैसेज जो तीन स्टेट्स हैं, तीन फॉर्म्स हैं, उनमें से कोई भी चेंज हो सकता है. ठीक है, वही मफिन का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले जब वो तो थोड़े से सेमी लिक्विड फॉर्म में थे लेकिन जब वो अवन में उनमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के बाद जब उन्होंने हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली, वो अच्छे से बेक हो गए, तो वो सॉलिड फॉर्म में जो है वो बाहर आते हैं, यानी कि उनका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है.
आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था कि किस स्पीड से जो रिएक्शन है वो अकर हो रहा है, ठीक है। तो अब वो किस स्पीड से चेंज हो रहे हैं, ठीक है, किस स्पीड से वो चेंज हो रहे हैं, उसके कौन कौन से फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट करते हैं उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस इन कांस्टेंट मोशन, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के क्लासेस में जब मैटर पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, उस मोशन का नाम क्या था, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ये हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं मोशन की वजह से वो जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, यानी कि टकराते रहते हैं, ठीक है। ये टकरा रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल जैसे इमेज में देख सकते हैं एक दूसरे से ये कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक नया सब्सटेंस जो है वो बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कितने कोलिजन्स हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, यानी कि गिवन टाइम में कितनी बार जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वो क्या देता है, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर कम रेट कम कोलाइड करेंगे तो यानी कि उनका रिएक्शन रेट स्लो होगा, अगर वो बहुत फास्ट कोलाइड कर रहे हैं यानी कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ही फास्ट होगा। और इस रेट को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, फ्रीक्वेंसी यानी कि वो कितनी बार कोलाइड कर रहे हैं गिवन टाइम, यानी कि अगर हम 1 सेकेंड से नोट कर रहे हैं या 1 मिनट से नोट कर रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो कोलाइड करेंगे दैट गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। अब जितना भी अगर कोई भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विद इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जैसे जैसे इसकी अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी कि जितने टाइम्स वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा जो रिएक्टेंट है वो उनके बीच में जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, अगर कम कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। अब जो फैक्टर्स थे वो कौन कौन से थे, सबसे पहले है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन लेवल क्या है, कि वो थोड़े डाइल्यूट हैं या बहुत ही हाईली कंसेंट्रेट है, उस पर भी डिपेंड करता है उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। टेम्परेचर, ठीक है, हमने पढ़ा था कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनके अंदर के जो मोशन है, जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है उनके अंदर का, वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो फास्ट हो जाते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बेसिकली क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस के रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करना है, ठीक है, कोई ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो थोड़े से स्लो होते हैं तो उनमें कैटलिस्ट ऐड किया जाता है ताकि जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट उसको इतनी एनर्जी लेवल लग रहा है, यानी कि उसको इतनी एनर्जी लग रही है उस प्रोसेस को चेंज करने के लिए, तो इट मींस कि जितनी ज़्यादा उसको एनर्जी लगेगी उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया जाए, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एक और रिएक्टेंट ऐड कर दिया जाए, तो उसमें जो एनर्जी लेवल लग रही है वो सिर्फ इतनी लग रही है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो कैटलिस्ट बेसिकली वो एक ऐसा रिएक्टेंट है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट्स का नेचर क्या है, सॉलिड्स हैं, लिक्विड है, गैसेस है, तो उससे भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा। केमिकल नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो हम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं उनका केमिकल नेचर क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। नेक्स्ट आता है लाइट, ठीक है, लाइट एनर्जी भी अफेक्ट करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसा होगा, ठीक है। कई ऐसे जैसे फोटोकेमिकल पढ़ा था, अगर उसमें लाइट एनर्जी उसको मिल रही है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, अगर उसे लाइट एनर्जी नहीं मिल रही है तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ही स्लो होगा, ठीक है। जैसे बचपन में पढ़ते थे कि अगर रात को जो प्लांट्स है वो अपना खाना नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उनको लाइट एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो मीन्स उनके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जीरो हो जाता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। एंड क्वेश्चंस के बाद जब रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम वीडियो को पॉज करके उसका आंसर खुद एक बार ट्राई कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपको क्लास में कितना समझ में आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो
बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और नन ऑफ दीज। द आंसर इज इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा था, जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट, इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीड, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इट इज नोन एज सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। ठीक है, जो सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंसेस बनते हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद, उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस, मेटल्स या प्रोडक्ट्स। दे आर नोन एज डी, प्रोडक्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।